उत्तर प्रदेश में शाही पनीर में डुबकी लगाते हुए बीजेपी सरकार का फिर मजाक बन गया है। मजाक इतना जोरदार कि इन्हें चुल्लू भर पानी खोजना पड़ रहा है। एक शख्स ने अपना जन्मदिन मनाया, जिसकी खुशी में उसने जालौन के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पार्टी के रूप में खाना खिलाया। खाने में शाही पनीर, पूरी, रसगुल्ला, आइसक्रीम और ढेर सारे आइटम। ये फोटो वायरल होते ही योगी सरकार के दोगले नेताओं ने बाय बाय बटोरना शुरू कर दी। जब मजाक के थपेड़े पड़े तब समझ आया कि ये खिलाना तो हमारी औकात से बाहर है। दैनिक भास्कर के अनुज कौशिक की रिपोर्ट के अनुसार जालौन में मिड डे मील में परोसी गई शाही पनीर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। 30 अगस्त को गांव मलकपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में बच्चों को खाने में पनीर की सब्जी, पूरी, सेब, मिल्क शेक, आइसक्रीम और रसगुल्ला दिया गया था। यह आयोजन कानपुर के एक बैंक में काम करने वाले सौरभ ने अपनी बर्थडे वाले दिन करवाया था, मगर भाजपा नेता इस शाही थाली की फोटो पोस्ट कर बाय बाय लूट रहे हैं। भाजपा नेता अरुण यादव ने थाली का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, अगर यह थाली दिल्ली में मिल रही होती तो अब तक यह खबर इंटरनेशनल बन चुकी होती, मगर यूपी पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद दूसरे भाजपा नेताओं ने भी इस फोटो को शेयर करते हुए बहुत कुछ लिखा है। इन सारी खबरों के बीच दैनिक भास्कर सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंचा। सबसे पहले हम लोगों ने गांव के प्रधान अमित से बात की। अमित ने बताया कि महीने से बच्चों के लिए ऐसे आयोजन महीने में 2 या 3 बार किए जाते हैं। गुजरात में एक सिस्टम है, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशियां बच्चों के साथ बांटना चाहे तो वह विद्यालय के बच्चों के लिए खाना दे सकता है। ऐसा करने के लिए लोगों को गांव के प्रधान से ऑनलाइन संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों को रोज मिलने वाले खाने में और चीजों को भी जोड़ दिया जाता है, इससे बच्चों को स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। अमित बताते हैं उसी सिस्टम के तहत हम लोगों ने यह सर्विस जुलाई से अपने यहाँ भी शुरू की है। उसी के तहत बच्चों को 30 अगस्त को शाही थाली परोसी गई थी। रोज बच्चों को वही खाना मिलता है जो सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। जब कोई आयोजन करवाता है तब हम लोग स्पेशल खाना बनवाते हैं, इसका खर्च आयोजन करने वाला ही उठाता है। इसके बाद हमने उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से बात की। उन्होंने बताया कि हम लोगों को रोज ऐसा खाना नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा खाना मिलता है, रोज नॉर्मल खाना ही दिया जाता है। जब किसी की शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो उस दिन ही स्पेशल खाना मिलता है, उस दिन तो खाना खाकर मजा आ जाता है। सत्य यही है, इसे स्वीकार कर ले। झूठी तारीफें बटोरना इनका हमेशा का यही कार है। अंधभक्ति में सराबोर होकर ये कुछ भी बिना जांचे परखे शेयर कर देते हैं, लेकिन इंतजार में है पूरा देश कि बच्चों को ऐसा खाना कब मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। यदि आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।